यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चीज़ें हमारी वर्किंग में काम आती हैं लोगों के अंदर, वही हम देखेंगे। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो लिंक भी डाल दिया जाएगा, जिसमें अगर वीडियो में आवाज़ कटती है तो ऑडियो से सुन सकते हैं कि क्या वर्किंग है उसकी। तो देखते हैं हम सबसे पहले वीएल की हम वर्किंग में देखते हैं। वीएल की स्विच है एक, फिर वीएलसीपी स्विच को क्यों दबाते हैं? मेन कंप्रेसर के लिए स्प्रिंग लोडेड स्विच है वीएलसीपी। वीएलडीजे मेन सर्किट ब्रेकर है, स्प्रिंग लोडेड स्विच है ये भी। वीएलएच जो है ये होटल लोड के लिए है। बीएलपीआर हेडलाइट स्विच है ये। बीपीसीएस है ये कॉन्स्टेंट स्पीड कंट्रोल के लिए, इल्यूमिनेटेड पुश बटन है। बीपीएफए पीला कलर का बटन है, एक्नोलेज ऑल फॉल्ट मैसेज के लिए ये इल्यूमिनेटेड पुश बटन है, यानी कि ये इल्यूमिनेट होता है, एक्नोलेज करना होता है हम इसे। बीपीएफएल है इमरजेंसी फ्लैशर लाइट के लिए, इल्यूमिनेटेड पुश बटन, ये है बीपीएफएल। इसी तरीके से बीपीपीवी है, ये लाल कलर का होता है, पार्किंग ब्रेक के लिए इल्यूमिनेटेड पुश बटन। बीपीवीजी है ये हरा कलर का होता है, विजिलेंस के लिए पुश बटन। बीपीवीआर है पीला कलर का होता है, रीसेटिंग विजिलेंस के लिए इल्यूमिनेटेड पुश बटन है ये। वीयूआर ऑक्सिलरी कन्वर्टर के लिए है ये। वीजेड वीओएफ विजिलेंस ओवर स्पीड एंड फायर के लिए बजर है ये। सीईएल सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। सीएससी होता है कॉन्स्टेंट स्पीड कंट्रोल। डीडीए ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट, जो डिस्प्ले लगी होती है सामने ड्राइवर के, वो होता है। डीडीएस होता है डायग्नोस्टिक डेटा सेट। फिर एफएलजी जो होता है वो व्हीकल कंट्रोल यूनिट होता है, एफएलजी। उसी तरीके से एचवी की अगर बात करें, एचवी ऑक्सिलरी सर्किट क्यूबिकल होता है, एचवी। इसी तरीके से एचआरए है स्विच कैप ब्लोअर होता है, एचआरए। और एलएसएएफ है लाल रंग का होता है, ट्रेन पार्टिंग इंडिकेशन लैंप है। अगर ये एलएसएएफ जल रहा है इसका मतलब ट्रेन पार्टिंग का इंडिकेशन दे रहा है। एलएससी पीला कलर का है, ओवर टेम्परेचर सीईएल इंडिकेशन लैंप है। एलएचडीजे लाल कलर का है, मेन सर्किट ब्रेकर इंडिकेशन लैंप है। एलएसएफआई लाल फॉल्ट मैसेज प्रायोरिटी वन का इंडिकेशन लैंप है। एलएसएचओ पीला कलर का होटल लोड इंडिकेशन लैंप है, WAG9 में कार्यरत नहीं है ये। एलएसपी पीला कलर का है व्हील स्लिपिंग इंडिकेशन लैंप। एलएसबीडब्ल्यू पीला कलर का है फुल विजिलेंस वार्निंग इंडिकेशन लैंप। एमसीवी है हमारा मेन सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है एमसीवी। और इसी तरीके से एमआर मशीन रूम भी बोलते हैं एमआर को। और पेन पेंटोग्राफ के लिए हो गया हमारा, पीपी न्यूमेटिक पैनल के लिए। एसवी कंट्रोल सर्किट क्यूबिकल। एसआर हमारा होता है ट्रैक्शन कन्वर्टर के लिए। एसएस हमारे सब सिस्टम होते हैं। और यूबीए वोल्ट मीटर बैटरी वोल्टेज चेक करता है, वोल्ट मीटर का बैटरी वोल्टेज। वीसीबी हमारा वर्किंग सर्किट ब्रेकर हो गया। जेडबीएन स्विच बैंकिंग ऑपरेशन का स्विच है। और जेडएलसी ड्राइवर कैब लाइटिंग स्विच है, जेडएलसी। जेडएलडीडी ड्राइवर डेस्क इल्यूमिनेशन स्विच है, जेडएलडीडी। और जेडएलडीए जो है वो असिस्टेंट ड्राइवर डेस्क इल्यूमिनेशन स्विच है। और जेडएलएफआर है ये मार्कर लाइट स्विच, लाल जो है वो जेडएलएफआर है। नेक्स्ट हम देखें ZLFW मार्कर लाइट के लिए है ये। ZLFW मार्कर लाइट स्विच सफ़ेद। ZLS सॉकेट हैंड लैम्प स्विच है। ZLI इंस्ट्रूमेंट लाइटिंग स्विच होता है। हेडलाइट डिमर डिपर स्विच ZPRD होता है। ZPT पेंटोग्राफ के लिए स्प्रिंग लोडेड स्विच होता है। ZTL होता है अधिकतम ट्रैक्टिव लिमिट स्विच है। तो ये हमारे स्विच के बारे में हो गया। अब थ्री फेज ब्लॉकों की विशेषता है, वर्किंग में उतना ज़्यादा कुछ खास काम नहीं है, वैसे क्या होता है क्या नहीं होता, ट्रैक्शन वायर प्रणाली, लो ट्रैक्शन वायर प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली जो भी है वो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देखते हैं। विशेषताओं में हमारा प्राइमरी सस्पेंशन होता है कहाँ होता है वो हम साइड बोगी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमारा जो है इस तरीके का बोगी का अरेंजमेंट होता है। तो कभी VWAG9 की बोगी हम देखें तो वहाँ पर हमें देख लेना है कौन कौन से पार्ट देख लेना है। सेंडिंग बॉक्स देख लेना है, इस तरीके सेंड भरी होगी उसमें।
दूसरा फुट स्टेप जहाँ से हम चढ़ते हैं वो फुट स्टेप कहलाती है, तीसरा एक्सल बॉक्स जो पहिए का होता है, पहिए पर एक्सल जनरेटर, यहाँ पर एक केबल लगी होती है एक तरीके से, व्हील सेट गाइड, व्हील सेट के लिए दोनों व्हील के लिए एक सेट लगा होता है, व्हील सेट गाइड बोलते हैं उसको, ब्रेक रोड होता है, एक्सल होल्डर होता है, व्हील एयर ड्रायर, एक्सल जनरेटर केबल, लेटरल डिस्टिपर होता है, सेकेंडरी सस्पेंशन, वर्टिकल डैम्पर, हॉरिजेंटल डैम्पर होता है, स्ट्रे चेन जो सेफ्टी चेन होती है, सेकेंडरी सस्पेंशन स्प्रिंग, प्राइमरी हेलिकल स्प्रिंग, सेकेंडरी सस्पेंशन योर डैम्पर होता है, प्राइमरी सस्पेंशन डैम्पर होता है, व्हील सेट और बॉगी फ्रेम होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं बॉगी कटआउट कॉक होती है, ये बॉगी कटआउट कॉक है, यहाँ से बॉगी कटआउट करते हैं, मेन कंप्रेसर लटका हुआ जो कंप्रेसर है, मेन कंप्रेसर है ये, मेन ट्रांसफार्मर है, ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर है 3 नंबर का, ये पूरा ट्रांसफार्मर मेन ट्रांसफार्मर है। 4 नंबर पर ट्रांसफार्मर, यहाँ पे एक क्या बैटरी बॉक्स लगा टाइप में है ये। 5 नंबर पर ट्रांसफार्मर क्या है, ऑयल है, ट्रांसफार्मर पंप, यहाँ पर एक पंप होगा ट्रांसफार्मर के लिए, बैटरी मेन स्विच नंबर 112.1 जो है बैटरी का मेन स्विच, यहाँ पर एक छोटा सा डिब्बा है इसमें होता है बैटरी का मेन स्विच 112.1, और SR ऑयल फिलिंग कैप भी यहीं पर है, SR ऑयल फिलिंग कैप, यहाँ से तेल भरते हैं, SR ऑयल फिलिंग कैप। नेक्स्ट हम देखें प्राइमरी सस्पेंशन एक्सल के दोनों तरफ जनरल बॉक्स के ऊपर दोहरे स्प्रिंग एक्सल बोगी के बीच लगा होता है, दोहरा स्प्रिंग एक्सल होता है जो बोगी के बीच लगा होता है, स्प्रिंग की उछाल को सीमित करने के लिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डैम्पर लगाए जाते हैं, इससे फ्लेक्सिकल व्यवस्था या एक्सल का लेटरल मूवमेंट सुनिश्चित होता है, और नेक्स्ट हम देखें कि 3 फेज लोगों की मैकेनिकल जो विशेषताएं हैं उसमें दे रखा है कि कॉकोट टाइप की बोगी व्यवस्था है, बॉगी फ्रेम में प्रत्येक एक्सल पर एक तरफ स्थापित है, मोटर अपनी शक्ति ड्राइविंग एक्सल पर लगे गियर बॉक्स के माध्यम से ड्राइविंग एक्सल को देता है, ड्राइविंग एक्सल से यह बल चक्के और रेल के बीच कॉन्टैक्ट पॉइंट पर परिवर्तित होता है, और ट्रैक्शन बल फिर एक्सल जनरल और गाइड रोड के द्वारा बॉगी फ्रेम में जाता है, लोको अंडर फ्रेम और बॉगी के मध्य पुश पुल लिंक रोड इन ट्रैक्टिव बल को लोको बॉडी से प्रेषित करती है, ट्रैक्टिव बल की तरह ब्रेकिंग बल एक्सल जनरल बॉक्स और गाइड रोड के माध्यम से बोगी फ्रेम और ट्रैक्शन रोड द्वारा बोगी फ्रेम से लोको पर आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्राइमरी और सस्पेंशन सेकेंडरी सस्पेंशन के द्वारा कंपन और शॉक को हम अलग करते हैं, लोको बॉडी और बोगी के बीच के संचार को प्राइमरी और डैम्पर्स होते हैं उनकी मात्रा को हम सीमित कर सकते हैं, यॉ और डैम्पर लोको बॉडी के पिच रेट को नियंत्रित करते हैं और बॉगी फ्रेम के बीच उत्पन्न मूवमेंट को नियंत्रित करते हैं, बॉगी के दोनों तरफ है कॉइल स्प्रिंग द्वारा बॉगी और लोको बॉडी के बीच सेकेंडरी सस्पेंशन प्रदान किया जाता है। तो हम यहाँ पर देखें ट्रैक्शन लिंक जो होती है नीचे की साइड होती है, ट्रैक्शन लिंक में ही नीचे की साइड क्या होते हैं बोल्ट होते हैं, साइड बोल्ट भी हम देखेंगे इसमें, और ट्रैक्शन लिंक के बोल्ट भी देखते हैं, ट्रैक्शन लिंक के बेस बोल्ट भी देखते हैं, 12 बोल्ट लगे होते हैं, बेस बोल्ट 12 ट्रैक्शन लिंक होगी, साइड बोल्ट इसमें 6 होते हैं ट्रैक्शन लिंक में, ये WAG 7 का है बोगी, कन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम अरेंजमेंट के साथ में दे रखा है, सैंड बॉक्स, प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग जो स्प्रिंग लगी रहती है, प्राइमरी सस्पेंशन स्प्रिंग, सेकेंडरी सस्पेंशन डैम्पर या सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल डैम्पर लगा रहता है, योर डैम्पर यहाँ पर होता है, एक्सल बॉक्स, गाइड रोड होती है, व्हील गाइड रोड जो जिसे बोलते हैं, ये व्हील होते हैं, व्हील को गाइड करने के लिए व्हील रोड होती है, अर्थिंग रोड होती है, तो WG7 का बोगी भी हम देख सकते हैं, उसी से ब्रेक सिलेंडर हम देख सकते हैं, ये ब्रेक सिलेंडर है, इधर हम प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, ये प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होता है, ये सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर होता है छोटा वाला, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर एक्सल से जुड़ा होता है पूरा सीधा बड़ा वाला, और ये छोटा सा रहेगा सिर्फ फ्रेम फ्रेम के ऊपर वाले में रहेगा, और ब्रेक सिलेंडर नीचे की साइड है, यहाँ पर ब्रेक को पैड ब्रेक पैड भी दे रखा है, वो भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट हम ये केबल जो जुड़ी रहती है ऊपर किसे मोटर से, तो उनके और ट्रैक्शन मोटर से जुड़ी रहती हैं, सस्पेंशन टाइल हम बोल सकते हैं। अब लोगों के लेआउट की अगर आप बात करें
तो लेआउट में भी हमारे काफ़ी चीज़ें काम आती हैं, जैसे कि कैब लेआउट में ABCD पैनल होते हैं, लोको साइलर पायलट की सीट के सामने बाएं बाजू में सबसे पहले बी पैनल होता है, और उसके बाद ए पैनल, और उसके बाद सी पैनल होता है, यानी बी ए सी डी इस तरीके से पैनल होते हैं। ए पैनल में जैसे UVM मीटर है, UVM मीटर क्या बताएगा, बैटरी वोल्टेज मीटर है, या वर्किंग कैब में बैटरी वोल्टेज को दर्शाता है। 0 से 150 वोल्ट तक मार्किंग रहती है, और 92 से 137 वोल्ट तक हरी पट्टी होती है UVM मीटर में। जैसे कि ये वाला जो मीटर है वो UVM मीटर है, ये वाला है UVM मीटर, तो इसमें मार्किंग 0 से 150 होती है और 92 से 137 तक हरी पट्टी होती है। यू मीटर की बात करें, ये तो हो गया हमारे UVS, तो सबसे पहले हो गया UVM मीटर, उसके बाद माता सेकंड नंबर पे यू मीटर। पैंट ऊपर उठाने के बाद दोनों कैब में OHE वोल्टेज दर्शाता है, ये 19 kV से 27.5 kV तक हरी पट्टी होती है। और फिर बोगी वन मीटर होता है, फिर बोगी टू मीटर होता है, ये बोगी वन है, ये बोगी टू है। बोगी वन मीटर TEV मीटर बोगी वन के लिए है, ये वर्किंग कैब में ट्रैक्टिव एफर्ट और ब्रेकिंग एफर्ट के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है, और यह ट्रैक्टिव एफर्ट में ऊपर की ओर, ब्रेकिंग एफर्ट में नीचे की ओर आता है। इसी तरीके से बोगी टू मीटर है, TEV मीटर बोगी टू के लिए है, और ये वर्किंग कैब में ट्रैक्टिव एफर्ट और ब्रेकिंग एफर्ट का प्रतिशत के रूप में बताता है, और ट्रैक्टिव एफर्ट ऊपर की ओर, ब्रेकिंग एफर्ट नीचे की ओर होता है। एक स्विच होता है यहाँ पर ZVN स्विच, ये जो ZVN स्विच है ये क्या काम आता है, ZVN स्विच बैंकिंग ऑपरेशन के लिए ऑन या ऑफ स्विच है। इस स्विच का उपयोग बैंकर लोगों में किया जाता है, इसे DJ ओपन स्थिति में ऑन करना चाहिए, जब DJ ओपन हो तब ZVN स्विच को हमें क्या करना चाहिए, उसी कंडीशन में हम जब DJ ओपन हो तभी हमें ZVN स्विच के बारे में सोचना चाहिए, इसको ऑन करना चाहिए। इसे ऑन करने पर BP ड्रॉप होता है और स्क्रीन पर लोको इन बैंकिंग बोर्ड का मैसेज आता है, तो कोई भी लोको अगर बैंकिंग बोर्ड में जा रहा है तो उसका क्या पहचान है, उसका पहचान है कि जब हम क्या करेंगे, ZVN को ऑपरेट करेंगे, तो DJ की ओपन स्थिति में इसको ऑपरेट करना है, और इसको ऑन करने पर जैसे ही ZVN को ऑन करेंगे BP हमारा ड्रॉप होगा और स्क्रीन पर लॉक ऑन बैंकिंग बोर्ड का मैसेज आएगा। और इस स्विच को ऑपरेट करने से पहले कॉक नंबर 70 को ही बंद करना है। अगर हम ZVN स्विच को ऑपरेट कर रहे हैं तो ZVN स्विच को ऑपरेट करने से पहले हमें कॉक नंबर 70 को भी क्या करना है, बंद करना है। LSDJ की बात करें, DJ के लिए संकेतक बत्ती है, और यह बत्ती VLK को D पर ऑपरेट करने से जलती है। DJ खुले होने पर संकेत देती है कि DJ क्लोज करने पर यह बत्ती बुझ जाती है। नेक्स्ट हम देखें LSDJ के बाद में LSP नहीं रहेगी, व्हील स्लिप के लिए संकेतक बत्ती है, और यह बत्ती व्हील स्लिप आने पर जलती है, सेंडिंग चालू हो जाती है ऑटोमेटिक। व्हील स्लिप रुक जाने पर यह बत्ती बुझ जाती है, ऑटो सेंडिंग रुक जाती है। LSAF एयर फ्लो के लिए संकेतक बत्ती है, LSAF, और LSBW है विजिलेंस मारने के लिए संकेतक बत्ती है, या VCD को 4 सेकंड तक एक्नोलेज नहीं करने पर यह बत्ती चल जाती है। LSE कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के तापमान के लिए संकेतक बत्ती है, यह बत्ती कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का तापमान जो है 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर जलती है, तो तापमान 70 डिग्री सेल्सियस होने पर LSE जो है वो अपने आप बुझ जाती है। वीयर की ऑफ स्थिति में है तो ऑफ स्थिति में लगाया निकाला जाता है। डी पर ड्राइविंग मोड स्थिति में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन रहता है, सी कूलिंग मोड स्थिति में है इस पर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स जो रहता है वो ऑफ रहता है। नेक्स्ट हम देखें VLDJ, DJ क्लोज और ओपन करने के लिए स्विच जो दिया गया है स्प्रिंग स्विच स्प्रिंग लोडेड है, और जब इस स्विच को नीचे की ओर दबाकर छोड़ते हैं तो DJ क्लोज हो जाता है, और ऊपर की ओर दबाकर छोड़ते हैं तो DJ ओपन हो जाता है। VLCP की बात करें, MCP चालू और बंद करने का स्विच है। इस स्विच की 3 स्थितियाँ हैं, ऊपर की ओर ऑफ स्थिति, इस पर कंप्रेसर बंद हो जाते हैं, बीच में ऑटो स्थिति है, इस पर कंप्रेसर ऑटोमेटिकली कट इन और कट आउट होते रहते हैं, और नीचे की ओर मैनुअल स्थिति है जो स्प्रिंग लोडेड है। इस स्थिति में VLCP स्विच को दबा कर रखते हैं तो कंप्रेसर लगातार कार्य करते हैं। VLHO की बात करें, होटल लोड को ऑन करने के लिए स्विच है, और केवल WFE 5 और WFE 7 लोगों में वर्किंग में है। ZTL की बात करें तो ट्रैक्टिव एफर्ट लिमिट करने के लिए स्विच है, और यह स्विच सामान्यतः ऑफ स्थिति में रहता है, इसे ऑन करने पर ट्रैक्टिव एफर्ट लिमिट जो होता है वो 2/3 हो जाता है। BPCS की बात करें, कांस्टेंट गति के लिए स्प्रिंग प्रज्वलित पुश बटन स्विच है, और इस स्विच को दबाने पर इसमें हरी बत्ती जलती है। BPCS कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है, और स्विच को पुनः दबाने पर डीएक्टिवेट हो जाती है, ऐसे जली हुई हरी बत्ती है वो बुझ जाती है। BBBB हम बात करें, पार्किंग ब्रेक के लिए स्वयं प्रज्वलित पुश बटन स्विच है, और इस स्विच का उपयोग पार्किंग ब्रेक लगाने रिलीज करने के लिए रहता है, इसे दबाने पर इसमें लाल बत्ती जल जाती है, इसका मतलब पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है, और पुनः दबाने पर इसमें जली हुई लाल बत्ती बुझ जाती है, ऐसे पार्किंग ब्रेक रिलीज हो गया है। BPVR की बात करें, सतर्कता पेनल्टी रीसेट के लिए स्वयं प्रज्वलित पुश बटन स्विच है, और इस स्विच का उपयोग विजिलेंस पेनल्टी ब्रेक को रीसेट करने के लिए हम
PPVR का उपयोग करते हैं। अब इधर हम देखते हैं स्टॉप पुश बटन, आप बात करने स्थिति में कर सकते हैं, डीजे ओपन हो जाएगा, पेंटो नीचे आएगा, गाड़ी में ब्रेक लग जाएंगे। इसे रिसेट करने के लिए तीर के निशान इधर हम घुसा सकते हैं। बी पैनल में जैसे कि गेज मीटर दे रखे हैं, सारे 5 गेज मीटर है। पहला है लोको ब्रेक सिलेंडर प्रेशर के लिए डुप्लेक्स गेज दे रखा है, SA9 द्वारा 3.5 kg/cm² और A9 के द्वारा 2.5 kg/cm² प्रेशर देख लें। FP और MR के लिए डुप्लेक्स गेज है, FP और MR के लिए डुप्लेक्स गेज है। एयर फ्लो गेज दे रखा है, AFI VP प्रेशर गेज दे रखा है और पार्किंग बैग प्रेशर गेज 6 kg/cm² दिया हुआ है। इसी तरीके से हम देखें यहाँ पर, ये सी पैनल का स्क्रीन है। सी पैनल में जैसे स्क्रीन है मैसेज दर्शाने के लिए, LSFI है वो है प्रायोरिटी वन दोस्त के लिए संकेतक बत्ती है, ZLC केबल लाइट का स्विच है, ZLI इंस्ट्रूमेंट लाइट के लिए स्विच है, ZLDD लोगो पर डेस्क लैंप के लिए स्विच है, VZVOF विजिलेंस ओवर स्पीड एंड फायर अलार्म के लिए स्विच है, BPFA फोटो एक्नॉलेज करने के लिए स्विच, BLPR हेडलाइट के लिए स्विच, ZPRD हेडलाइट के लिए डिमर स्विच, ZLFW सफ़ेद मार्कर लाइट स्विच है, ZLFR है लाल मार्कर लाइट स्विच है और BPFL है फ्लैशर लाइट के लिए स्वयं प्रज्वलित स्विच होता है BPFL। और ये ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट है, ये डी पैनल है, डी पैनल में ZLD होगा एक तो ZLD है, सहायक लोगों पायलट के लिए डेस्क लैंप के लिए स्विच है, PCLH 110 वोल्ट DC सॉकेट है और ZCH है PCLH सॉकेट ऑफ या ऑन स्थिति में है या नहीं है, वो सब देखना काम इनका।